ओम नमः शिवाय। आप सभी शिवलिंग पर तो रोजाना जल चढ़ाती होंगी, पर यदि शिव पुराण की इस विधि के जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया जाए तो हर काम में आपको सफलता भी मिलेगी और शीघ्र ही आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहाँ पर शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है और शिव जी उस जल को स्वीकार भी करते हैं, जिसको पंच गंगा कहा जाता है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी आप शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान पर जल जरूर चढ़ाएं। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 के 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 करोड़ देवता, 64 योगिनियाँ सब शिवलिंग पर ही विराजमान हैं। ये बात हमने पहले की वीडियो में भी बताई थी, पर आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये विचार कभी मत करना कि पार्वती माता कहाँ है, गणेश जी कहाँ है, कार्तिकेय जी की मूर्ति कहाँ है, भैरव भगवान कहाँ है। इन सब भगवान को आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, हमें शिव मंदिर में ये सब ढूंढना ही नहीं है। बस जिस पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती माता का हस्त कमल है, यानी माता पार्वती का स्थान है। जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है वो स्वयं महादेव हैं। शिवलिंग में जहाँ से पानी गिरता है, जो शिवलिंग की जलाधारी है, उस बीच में एक मोटी सी लाइन बनी है, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। जहाँ से पानी बह रहा है वहाँ से उसके राइट भाग में गणेश जी का स्थान है और लेफ्ट भाग में कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो पानी यानी जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। जहां शिवलिंग से पानी बहकर उस निकासी से जहां नाली बनी रहती है, पानी बहकर मंदिर से बाहर जाता है, वो 33 करोड़ देवताओं के स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा पूरी की जाती है, पर शंकर भगवान की परिक्रमा आधी की जाती है, क्योंकि वो जो जल जा रहा है वो 33 करोड़ देवताओं का स्थान है, उसको हम लांग नहीं सकते। आप सभी जो जो व्यक्ति शंकर भगवान की पूजा करते हैं वो इस बात का ख्याल जरूर रखें। तो जब भी आप शिव मंदिर जाएं जल चढ़ाने के लिए, तो शिवलिंग पर सबसे पहले जो जलाधारी है उसके राइट भाग पर गणेश जी को पहले जल थोड़ा सा चढ़ाएं, वो भी अपनी मनोकामना को कहकर जल चढ़ाएं, तो शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। फिर जलाधारी के लेफ्ट साइड यानी कार्तिकेय जी को जब जल चढ़ाएं तो रोग मुक्ति निवारण के लिए जल चढ़ाएं। उसके बाद अशोक सुंदरी की जगह पर 3री बार जल चढ़ाएं। उसके बाद शिवलिंग की कटी भाग माता पार्वती के स्थान पर जल चढ़ाएं, ये 4था स्थान है। फिर 5वें स्थान यानी कि शंकर जी के स्थान पर जल चढ़ाएं। इन 5 स्थानों पर क्रम वाइज ही जल चढ़ाएं। जो लोग नहीं जानते हैं जल चढ़ाने का तरीका, वो डायरेक्ट शिवलिंग पर ही जल चढ़ा के चले आते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे हम लोग और कोई देवताओं की पूजा करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजा गणेश जी की करवाते हैं, क्योंकि सभी देवताओं में वो प्रथम पूज्य देवता हैं। जिनकी पूजा के बगैर पूजा अधूरी ही मानी जाती है, ऐसे ही गणेश जी की पूजा के बाद और देवताओं की पूजा कराते कराते फिर जाके मूल पूजा की पूजा करवाते हैं पंडित जी, तब जाके पूजा संपूर्ण होती है। और जिस इच्छा से पूजा करवाई जाती है वो इच्छा भी जल्द पूर्ण हो जाती है, वो भी बिना किसी विघ्न बाधा के। तो आप सोचो, आप शिवलिंग पर डायरेक्ट जल चढ़ा के चले आते हैं तो आपकी पूजा अधूरी ही मानी जाती है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर अपनी मनोकामना को कहकर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर रोग निवारण से मुक्ति के लिए विनती करके जल चढ़ाएं, फिर अशोक सुंदरी माता पार्वती के स्थान पर जल चढ़ाकर ही महादेव को यानी कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसे आप रोजाना ही जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि है। ऐसा हम नहीं, शिव